Hello dear students, how are you? I hope that you all have been doing well about your studies, especially English subject. With the help of my YouTube channel, English Classes Sanjeev Goswami, today we are going to read about the very first poem of first year class, the book Hornbill, and the name of the poem is A Photograph, okay? And the poetess is Shirley Tilson. So in the poem, the poet has tried to tell us about the story of her past. She wants to share her memories about her mother, who is no more in the world now. हम ऐसा कह सकते हैं कि इस कविता के माध्यम से पोइटिस ने, कवित्री ने अपने उस पास्ट को जीना चाहा है, उसके याद करना चाहा है, जिसमें वो अपनी माँ को अपने साथ देख रही है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं। जब हम टाइटल की बात करेंगे, फोटोग्राफ, मैं ज़रूर इस पर कुछ कहना चाहूँगा, दैट अ फोटोग्राफ, अ स्नैप, अ पिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेन एवर वी सी दैट पिक्चर, इट रिकॉल्स ऑल आवर मेमोरीज ऑफ दोज मोमेंट्स ऑफ दैट टाइम। चाहे वो 20 साल पुराना, 30 साल पुराना, किसी भी समय का जब हम कोई तस्वीर देख रहे होते हैं, कोई पिक्चर देख रहे होते हैं, तो उस मोमेंट का जो इमोशन है, अगर वो बहुत खुशी की है, जॉयस है, तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है। अगर उसमें कोई तकलीफ है, दुख है, सौरव है, तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमारी आंखें भीग जाती हैं। या कई बार एक ऐसे आदमी की तस्वीर है कि ऐसे व्यक्ति की तस्वीर है जो दुनिया में नहीं है, तो भी हमारे यादों को भिगो जाता है। सो पिक्चर जो है वो अपने आप में एक बड़ी कहानी कहती है। जितनी बार हम तस्वीर को देखेंगे, एवरी टाइम दीज पिक्चर्स रिकॉल ऑल दोज स्वीट और यू नो बिटर मेमोरीज ऑफ द पास्ट, उन खुशियों को या गमों को एक बार फिर याद दिलाती हैं तस्वीरें। बड़ी ही खूबसूरत होती हैं और ज़िंदा होती हैं तस्वीरें। आइए पोएम ज़रूर पढ़ें थोड़ा सा। अ फोटोग्राफ। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वैन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। तो पोइटिस अपने पास्ट को याद कर रही है, अपनी मदर के साथ, अपनी कज़न के साथ। पोइटिस दोनों हाथ पकड़े अपनी मदर का, कज़न अपनी मदर, सॉरी, पोइटिस अपनी मदर का एक हाथ और दूसरा हाथ उसकी कज़न पकड़े हुए जा रही है सी के किनारे, सी बीच पर। और ये तस्वीर जो कार्डबोर्ड पर है, एक गत्ते में, पहले लोग फ्रेम बना लेते थे, आज तो बड़े महंगे महंगे फ्रेम आ गए हैं, उस समय गत्तों में ही फोटो को चिपका के दीवार पर लगा लेते थे लोग, और उसमें आर्ट भी बनाते थे, कई बार अपना पेंट करते थे, चारों ओर से कलर करते थे, नया नया और खूबसूरत, अच्छा बनाने के लिए, स्पेशल बनाने। ठीक है, तो दोनों लोग वहाँ पर गए सी पर और पैडलिंग करने गए, स्विमिंग करेंगे, वहाँ जाकर खेलेंगे, और उनके अंकल उनके साथ गए हैं, वो उनका फोटो खींच रहे हैं उस टाइम का। तो दोनों मदर का हाथ पकड़े हुए हैं, एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। पोइटिस को याद आ रहा है अपना वो टाइम जब वो 12 वर्ष की थी या उसके आसपास रही होगी, बड़ी थी अपनी कज़न से। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर, अपने बालों को संवारते हुए तीनों लोग स्माइल कर रहे हैं फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए, जो अंकल खींच रहे हैं कैमरे से। एट द अंकल विद द कैमरा, अंकल कैमरा लिए खड़े हुए हैं। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट था और बहुत ही टफ जॉब था फोटोग्राफी उस टाइम। आज इतने बढ़िया बढ़िया कैमरे आ गए हैं, इतने मेगापिक्सल बढ़ गए हैं कि आप कोई भी आदमी फोटो खींच लेता है, छोटे छोटा बच्चा भी क्लिक कर लेता है, सेल्फी के सब मास्टर बन चुके हैं आजकल। उस टाइम बड़ा ही टफ जॉब था और बहुत ही एक्सपर्ट लोग ही फोटोग्राफी करते थे। तो ये भी बताना मुझे लगा अच्छा है, आप इसके बारे में भी समझें। देन अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। अचानक उसे अपनी मदर का वो स्वीट फेस याद आ रहा है, जब वो खड़ी हैं दोनों बच्चों के लेके, वो टाइम याद आ रहा है कि जब वो पैदा हुई उससे पहले वो कितनी खूबसूरत रही होंगी, और जब वो 12 वर्ष की थी तब उनके साथ फोटो है उनका। तो वो मोमेंट सारे उसे सडनली याद आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, खूबसूरत दिन भुलाए नहीं भूलते, और पुरानी बातें हमें हमेशा याद रहती हैं। और एक बड़ी मज़ेदार बात है, एक अजीब सी थ्योरी है, ये फिलॉसफी है कि हमारा प्रेजेंट कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, हमारे पास्ट में कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, मुफलिसी हो, बदहाली हो, तंगहाली हो, खस्ता हाली हो, फिर भी हमें वो अपना पास्ट ज़रूर याद आता है, पता नहीं क्यों। जो वक्त हम जी चुके होते हैं वो मीठा होता चला जाता है, और जो जी रहे होते हैं पता नहीं कहाँ से कड़वाहट आ जाती है। ये भी एक अजीब सी बात है, इसीलिए लोग अक्सर कहते रहते हैं, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, दोज वर द ब्यूटीफुल डेज, अक्सर कहते हैं दोज वर द डेज़
एंड थिंग्स वर चीप एंड पीपल वर गुड. क्या खूबसूरत दिन थे, चीज़ें सस्ती थी और लोग अच्छे थे. तो पुराने समय की बात ही कुछ और है. आइए पोएम पर लौटते, वरना मैं तो बह जाता हूँ ऐसे ही. अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस. समुद्र के बारे में वो कह रही है, वहाँ पर समुद्र का जो व्यू दिख रहा है फोटो में, शायद वो आज भी वैसा ही होगा क्योंकि वो बदलता नहीं. वहाँ का एटमॉस्फेयर आज भी वही होगा, लोग आज भी वहाँ जाते होंगे, आज भी लोग फोटोग्राफ्स वहाँ पे क्लिक करते होंगे, लोग आते हैं लोग जाते हैं, समुद्र वही रहता है. यानी कि ये परिवर्तन है समाज में, कुछ चीज़ों में परिवर्तन होता है, कुछ चीज़ों में परिवर्तन नहीं होता. तो समुद्र में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो एटमॉस्फेयर वैसे ही होगा, लहरें वैसे ही उठ रही होंगी, लोग वैसे ही आ रहे होंगे, लेकिन लोग बदल रहे होंगे. वो कहते हैं ना, आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं. तो साहब, आईना जो है वो एक परमानेंट फिक्चर है, वो बदलेगा नहीं, लेकिन चेहरे जो हैं टेम्पररी हैं. आइए फिलॉसफी से पोइट्री की ओर चलें. वॉश दियर टेरेबली ट्रांजियंट फीट. और दूसरी ओर जो पानी आ रहा है वो पैरों में लग रहा है, वो हमारे ट्रांजियंट फीट, हमारे जो पैर हैं वो मॉर्टल हैं, नश्वर हैं. उन पैरों को पानी धो रहा है, पानी कभी बदलेगा नहीं, लेकिन जो ये पैर हैं जो धुले रहे हैं ये बदल जाएंगे. पहले बच्चे थे, फिर जवान हैं, फिर बूढ़े होंगे, उसके बाद किसी और के पैर होंगे. दिस इज द लाइफ विच मूव्स ऑन एंड ऑन. जिंदगी चलती चली जाती है बाबू मोशाय. हम सब रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं और उसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है. आइए सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं. सो अब इस नेक्स्ट स्टेंजा में हम पढ़ेंगे, सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट स्नैपशॉट. जब इस घटना को 30 साल हो गए, 20 साल हो गए, तब एक दिन उसकी मदर, जो पोइटिस की जो मदर हैं, वो देखकर अचानक उस पिक को हंस पड़ी जोर से. सी बेटी एंड डॉली शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. तब उन्होंने कहा कि देखा किस तरह मैंने तुम्हें, दो बच्चे हैं, एक तो पोइटिस है बेटी और उसकी कज़न है डॉली, किस तरह मैंने तुम्हें उस टाइम के लिए तैयार किया था, कितना खूबसूरत वक्त था वो. तो ये 20-30 साल पहले जो पोइटिस आज याद कर रही है उस घटना को, उस टाइम के बारे में उसकी मदर ने उनसे बड़ा खुश होकर कहा. हालांकि इस दौरान वो बहुत तरह से परेशान रही थी, बहुत से दुख उनके जीवन में आए रहे होंगे, लेकिन अचानक सडनली, ये मैंने पहले ही कहा था, इस पिक की विशेषता ये होती है कि हम कितने समय बाद भी हो, चाहे किसी भी हालात में हो, लेकिन जो पिक जिस मोशन में है, जिस इमोशन में है, जिस माहौल में है, वो इमोशन हम दोबारा से फिर जीने लगते हैं. तो वही कहकर खुश हुई कि देखो तुम्हें याद है वो टाइम, हमने किस तरह तुम दोनों को तैयार किया था फॉर द बीच, और किस तरह तुम्हें ड्रेसअप किया था, बड़े बड़े कपड़े पहने थे फ़ोटो के लिए, वहाँ जाएंगे बीच पर, स्विमिंग करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे. द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइंड इज हर लाफ्टर. पोइटिस आज याद कर रही है कि वो सी का जो सॉलिटरी है वो एक पीरियड है, वो भी मेरे लिए पास्ट है, और जो उनकी हंसी है 30 साल पहले, जो उस पिक को देखकर उन्होंने वो हंसी की, हालांकि उससे बहुत पहले की बात है, वो पिक जब खींची गई तो वो भी पास्ट था. और दूसरा पास्ट वो था उस पिक को याद कर 20-30 साल बाद जो उसकी मदर के चेहरे पर स्माइल आई थी, आज उसे याद कर खुद मुस्कुराना चाहती हैं. तो एक साथ उनके काफ़ी यू नो माइल्ड रिएक्शंस हैं कि वो पास्ट भी याद है जिसमें बहुत परेशानी रही, और वो पास्ट भी याद आया कि जब उस पिक को याद करके उनकी मदर एक बार फिर स्माइल कर पड़ी, जोर से हंस पड़ी. बोथ रॉय, एक बड़ा आयरनिकल सीन था, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. ये ऑक्सीमोरन यूज़ करा, लेबर्ड हार्ड भी है, ईज माने ईजी भी है. एक अजीब सी सिचुएशन थी जहाँ पर एक तरफ उस पिक के बाद के जो 20-30 साल हैं उसमें बहुत सी तकलीफ़ें थीं, परेशानियाँ थीं, मुश्किलें थीं, उनको भी फेस किया है पोइटिस ने भी अपनी मदर के साथ, मदर ने भी पोइटिस के साथ, लेकिन वो पिक देखकर जो उनके चेहरे पर जो खुशी आई, अ ग्लिम्स ऑफ यू नो जॉय फॉर अ मोमेंट, वो भी एक खुशी है, उसने एक चीज़ को बड़ा हल्का कर दिया उस माहौल को. तो वो पास्ट भी उन्हें याद है और मदर की वो खुशी भी, उस वजह से वो भी उन्हें याद है. नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. अब वो लड़की जितना सब जी चुकी थी उतने ही साल हो गए उन्हें मरे हुए,
तो बहुत लंबा टाइम हो चुका उस कहानी को, वो मदर के साथ बिताए हुए टाइम भी बहुत लंबा है और मदर के बगैर भी उतना ही टाइम हो गया है। तो एक इट्स ए स्टोरी अबाउट अ वेरी वेरी लॉन्ग यू नो लॉन्ग एगो, एक बहुत पुरानी कहानी है। लेकिन एक और मैं चीज़ कहूँगा कि कहानी जितनी भी पुरानी होगी उसमें दर्द या खुशी उतनी ही गहरी होगी, ठीक है ना। कोई बहुत पुरानी अगर कहानी है तो वो जितनी गहराई में होगी हम हाथ डालेंगे उसे, उसको खो देंगे, उसे निकालेंगे, तो अगर खुशी देगी तो बहुत गहरी और ज़्यादा खुशी देगी, और जब तकलीफ़ देगी ना वो भी बहुत ही ज़्यादा देगी। आइए ज़्यादा गहराई में जाइए, थोड़ा बाहर आइए प्लीज़। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंस। आज की जो सर्कमस्टांसेस है, आज की जो परिस्थितियाँ हैं, काफ़ी अलग हैं, जुदा हैं, मुख्तलिफ हैं, पहले से भिन्न हैं। ना वो माँ साथ हैं, ना वो माँ के साथ के वो वक्त और लम्हे साथ हैं, तो हालात बदल गए हैं, सब कुछ बदल गए हैं। आज पोइट्रिस के पास उस समय के बारे में कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, निशब्द है वो, खामोश है। जब हम बहुत इमोशन से भरे होते हैं, चाहे वो खुशियाँ हों चाहे गम हों, आवर वर्ड्स आर ड्राइड, वी आर स्पीचलेस, हमारे लफ्ज खामोश हो जाते हैं और हम निशब्द हो जाते हैं, शब्द रहित हो जाते हैं, क्योंकि हम प्रेम के भाव से भरे होते हैं, हम भावनाओं से भरे होते हैं। एंड लव हैज़ नो लैंग्वेज, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, चाहे वो किसी के इंतज़ार में हो चाहे किसी के प्यार में हो। आपको पोएम कैसी लगी ज़रूर अपने कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। हम आगे भी इस चैनल के माध्यम से आपका सिलेबस कराते रहेंगे, ग्रामेटिक स्किल्स के बारे में बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव फन विद योर स्टडीज, इज द ग्रेटेस्ट फन इन लाइफ, एंजॉय योर लाइफ, बाय।